अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ वाइट चावल का जरदा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सेला चावल ले लिए। उनको मैंने धो लिया है, भिगोया नहीं है इसे, बस धोया है। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने तकरीबन 10 लौंग डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे साथ ही 1 चम्मच घी, जिसमें चावल जब बॉयल होंगे तो खुशबू अच्छी आएंगी और एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं चावल। पानी में बॉयल आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने धो के रखे थे। ये हम पूरे चावल इसमें डाल देते हैं। चावल हमारे देखिए अब अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। बस ये ख्याल रखें चावल टूटे नहीं और अच्छे से गल जाए इसके अंदर। तकरीबन 5 मिनट हम इन्हें अच्छे से उबालेंगे। बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे कि अच्छे से ये कुक हो जाए। अब हम यहाँ पे थोड़ा चेक कर लें हमारे चावल हुए हैं क्या। तो अभी थोड़ा हुए नहीं अभी हमारे चावल, तो 2 मिनट हम उन्हें और उबाल लेंगे अच्छे से। बस इनका गलना अच्छा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम इन्हें कुक करेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे, कर्रे हो जाएंगे चावल, क्योंकि हमें चाशनी में बनाएंगे, शक्कर डालेंगे इनमें तो ये कर रहे हो सकते। तो इसलिए अभी आपको बॉईल अच्छे से कर लेना है इन्हें। अभी थोड़े और होंगे हमारे बॉईल चावल। हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब इन हम इनको ना पानी से बाहर निकाल लेते हैं। बस चावल को आप ये ख्याल रखें अच्छे से आप उबाल लें। अगर इन्हें उबले हुए कम होंगे तो ये जब शक्कर में हम इन्हें पकाएंगे तो ये कर्रे हो सकते हैं। तो मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब मैं ये चावलों को पानी से बाहर निकाल लेती हूँ। चावल पे हम थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं, इससे ये होगा जो चावलों में स्टीम बनी हुई वो निकल जाए, चावल हमारे ज़्यादा गले नहीं, टूटे नहीं चावल, इसलिए हम इस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल रहे हैं। चावल तो हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे बनाने की तैयारी पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 लौंग ली है और यहाँ पे 10 हरी इलायची थी, उसके दाने निकाल लिए मैंने, छिलके अलग कर दिए। बादाम इनको मैंने पहले से पानी में भिगो दिया था, तो अब इनके छिलके निकाल के इसे मैं पतला पतला काट लूँगी। और यहाँ पे नारियल बूरा है, किशमिश है, चिरौंजी है और कुछ ये काजू की टुकड़ी है। ये फूड कलर है, ग्रीन है और ऑरेंज है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक भगोना लिया है, इसमें मैं 4 चम्मच घी डाल देती हूँ। 2 चम्मच पहले डाल चुकी थी मैं, ये 2 चम्मच और डाल दिया मैंने, 4 चम्मच घी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो शक्कर भी ले लिए। घी हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग और इलायची, ये अच्छे से तड़क जाए तेल घी के अंदर। लौंग और इलायची हमारी अच्छे से तड़क चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं चावल। यहाँ पे आधे चावल मैंने डाल चुकी हूँ। अब मैं इसी में अब यहाँ पे हम डाल देंगे शक्कर, डाल देंगे हम पूरी, डाल देते हैं हम शक्कर ये 1 किलो। 2 तेल लगाई है हमने, 1 चावल की लगाई है, फिर बीच में शक्कर की लगाई है, फिर ऊपर हमने चावल की लगा दी। फिर से यहाँ पे मैंने चावल भी डाल चुकी हूँ मैं। अब गैस की फ्लेम फुल है यहाँ पे। तकरीबन हम 5 मिनट इसे ऐसे ही पकाएंगे और फिर मिक्स करके हम नीचे दम पे रखेंगे इसे। ये 5 मिनट में हम कवर करके हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलते हैं। अब हम सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। चावल टूटे नहीं हमारे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे मैं वापस से कवर करूंगी और यहाँ पे मैं नीचे लोहे का मोटा तवा रख दूंगी, जिससे यहाँ ये अच्छे से स्टीम से बनेंगे चावल। तो मैं यहाँ पे लोहे का तवा रख रही हूँ मोटा। अब इस पर मैं भगोना रख दूंगी। जैसे जैसे तवा गर्म होगा तो अच्छे से दम से ये चावल बनते रहेंगे और चाशनी से अपने हमारे चावल कर्रे भी नहीं होंगे। तो मैं गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर दूंगी 5 मिनट बाद, जब तक तवा गर्म हो जाए हमारा। 10 मिनट हो गया है दम पे था ये हमारा जरदा चावल का। तो इसे हम चेक करते हैं, देखिए अच्छे से हो गया।
अब यहाँ पे मावे की ज़रूरत थी मुझे, तो मुझे यहाँ पे आज शॉप बंद थी, मावा मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे मावे की जगह डालती हूँ। घर पे जो दूध इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रेश मलाई रखी थी मेरे पास, तो मैं वो डाल देती हूँ। तो ये मावे का काम करेगी यहाँ पे। तकरीबन 2 चम्मच डाल देती हूँ मैं, तो सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मलाई को चावल में। मलाई को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने फूड कलर लिया है जिसे मैंने दूध में भिगो लिया है यहाँ पे दूध में, तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ, दूध दूध डाल देती हूँ। ऑरेंज फूड कलर है ये, ऑरेंज कलर में डाल चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए ग्रीन कलर भी लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी मैंने दूध में कर लिया है, दूध मिक्स करके इसका भी लिक्विड बना लिया है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ पास पास में। ज़ाफ़रान को यहाँ पे दूध में नहीं डाली, और मैं ज़ाफ़रान को मैं ऐसे डाल देती हूँ जिससे इसका भी टेस्ट और अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। तो मैं ज़ाफ़रान को ऐसे डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस डालती हूँ, तो इसे समा एकदम दूर दूर में 4 से 5 ड्रॉप डालूँगी इसमें। केवड़ा एसेंस जो मैंने इसमें डाला है 5 बूंदें, इसको संभाल के डालें। अगर ज़्यादा डाल दें तो हमारे चावल को जिस चीज़ में हम डालें तो वो कड़वा कर सकते हैं। अगर केवड़ा वाटर होता आपके पास और ज़्यादा भी डाल सकते थे, पर इसे हमें बहुत संभाल के डालना होता है। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखती हूँ। जब तक ये दम होगा कुछ ड्राई फ्रूट जो है उसको हम फ्राई करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच में घी डाल दूँगी। घी को हम थोड़ा गरम कर लेंगे अच्छे से। घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 3 से 4 हरी इलायची के दाने निकाल लिए मैंने, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी बादाम है यहाँ पे, इनको मैंने पतले पतले साइज में कट कर लिए हैं। और काजू है, किशमिश है, चिरौंजी है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये सब यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। और बकरीद होने की वजह से कुछ शॉप्स वगैरह बंद थी, नहीं तो यहाँ पे चेरी है, ब्लैक और ग्रीन कलर की ग्रेप्स है, और पाइनएप्पल है, ये सब भी डालो ना तो जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो वो चीज़ सब चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा अभी इन्हीं को ही डाल देती हूँ मैं। अगर आपके पास मौजूद है तो आप भी उन्हें डालें, उनका टेस्ट और ही जायका बहुत अच्छा आएगा और दिखने में भी और भी खूबसूरत लगती है वो चीज़, सब चीज़ डल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किशमिश अच्छे से फूल चुकी है, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अभी सब चीज़ों को मैं चावल में डालती हूँ। नारियल का बूरा है बारीक, मोटा बूरा भी ले सकते हैं इसमें आप, मैं भी बारीक बूरा डाल रही हूँ इसमें, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो ड्राई फ्रूट में डाल देती हूँ, सब जगह डाल दें आप चारों तरफ फ्राई करके। जो अपन ऊपर से हम ड्राई फ्रूट डालते हैं इसका जायका बहुत ही अच्छा रहता है। ये ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर से डाल दिया है। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स ऊपर से फ्राई करके आप डालेंगे तो चावल में शाइनिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ऐसा करके आप देखें, आप भी जब भी बनाएं तो आप भी फ्राई करके ही डालें। तो हमारा ये तैयार हो गया, ये वाइट कलरफुल जर्दा, बहुत ही ईजी है और ज़्यादा वो कुछ नहीं है इसमें झुंझे। तो आप जब भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं इसे, ज़ाफ़रानी जर्दा बोल दें आप, कलरफुल जर्दा बोल दें, जो भी आप इसे बोलना चाहें। और झटपट बन भी गया हमारा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लिया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अल्लाह हाफिज़।